नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने तीन नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। केएल राहुल उनके कप्तान होंगे और इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया के शानदार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को भी अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। इसके अलावा अनकैप्ड प्लेयर रवि बिश्नोई भी उनकी टीम में शामिल हैं। राहुल को उन्होंने 17 करोड़ रुपए में खरीदा है और राहुल संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं। विराट कोहली को आरसीबी ने 2018 में 17 करोड़ रुपए में खरीदा था। दूसरी तरफ नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद भी अपने तीन खिलाड़ियों को अनाउंसमेंट कर चुकी है। हार्दिक पांड्या उनके कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या का बयान कप्तानी मिलने के बाद पहली बार आया। अब ऐसे में लखनऊ टीम के कप्तान केएल राहुल का भी बयान सामने आया है, तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि मुस्कुराइए, आपके कप्तान केएल राहुल हैं और उनका बयान भी आ गया है। केएल राहुल ने कप्तान बनने के बाद ट्विटर अकाउंट पर शेयर एक वीडियो में कहा, हाय एवरीवन, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि नई लखनऊ टीम का हिस्सा बनना एक बड़ा सम्मान है। मैं लखनऊ के लोगों के लिए अपना बेस्ट दूंगा। तो इसके अलावा लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयंका का भी बयान आया। उन्होंने भी पूरी तरीके से जानकारी दी कि आईपीएल 2022 के लिए वो तैयार हैं। फिलहाल केएल राहुल ने जिस तरीके से बयान और लखनऊ फ्रेंचाइजी में आने के बाद उनमें वो उत्साह देखने को मिल रहा है और वो बता भी रहे हैं कि वो आईपीएल 2022 में अपना बेस्ट देने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि केएल राहुल इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ खेल चुके हैं, साथ में पंजाब किंग्स के वो कप्तान आईपीएल 2021 तक रहे। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन उससे पहले के प्रदर्शन के आधार पर केएल राहुल की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन रहा। अब ऐसे में लखनऊ फ्रेंचाइजी यही उम्मीद कर रही होगी कि केएल की कप्तानी में आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन उनकी टीम इनॉग्रेशन आईपीएल में ही करके सभी का दिल जीत ले। फिलहाल केएल राहुल ने जिस तरीके से पहला बयान कप्तान बनने के बाद लखनऊ फ्रेंचाइजी का दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।